नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आई रुक करते हैं खबर की ओर। हार्डवेयर व्यवसाय से माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन दिलाने के नाम पर 11,30,000 रुपए ठगी करने वाले दो लोगों को एसआईटी की टीम ने बिहार से किया गिरफ्तार। गढ़वा जिला पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन दिलाने के नाम पर हार्डवेयर व्यवसायी दशरथ राम से 11,30,000 ठगी किए जाने वाले चर्चित कांड का खुलासा करते हुए इसमें अंतर्लिप्त बिहार के सासाराम तथा कैमूर से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार झा ने आज यहां बताया कि दरअसल दशरथ राम नामक एक हार्डवेयर व्यवसायी ने गढ़वा सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर लोन दिलाने के नाम पर उनसे 11,30,000 की ठगी किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री झा ने बताया कि चूंकि मामला काफी बड़ा था, लिहाजा उन्होंने इसके लिए एक एसआईटी की टीम गठित की थी। उक्त टीम के अनुसंधान के दौरान पता चला कि कुछ लोग फर्जी आधार कार्ड के आधार पर गढ़वा के विभिन्न होटलों में जैसे आरडीएस इन सोनपुरवा आदि में ठहरते हैं। इस संदेह के आधार पर जब पुलिस ने उक्त दोनों संदिग्धों का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि कैमूर के रोशन कुमार तथा रोहतास के हरेंद्र कुमार प्रजापति दोनों बिहार के इस ठगी कांड में अंतर्लिप्त हैं। इस सूचना के आलोक में एसआईटी की टीम ने उक्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया तथा उनके पास से 5,00,000 बैंक में जमा करने का कागजात तथा व फर्जी आधार कार्ड व मोबाइल भी बरामद कर लिया, जिससे होटल में ठहरा करते थे। पुलिस अधीक्षक श्री झा ने बताया कि बैंक में जमा की गई राशि को फ्रीज करा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गढ़वा जिले का यह अनोखा ठगी कांड था, क्योंकि उक्त ठगों के द्वारा पहले डबल नोट करने के नाम पर एक के बदले दो कुल 62,000 असली नोट देकर व्यवसायी दशरथ राम का विश्वास जीता गया। फिर 11,30,000 व 50,00,000 लोन दिलाने के नाम पर ठगी किया गया और जब लोन की राशि देने की बारी आई तो रुपए के आकार में कागज का बंडल थमा दिया गया था। 20 जनवरी को गढ़वा के निवासी दशरथ राम, जो कि अपना बिजनेस करते हैं हार्डवेयर दुकान का, उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाया गया था गढ़वा थाने में, जिसमें कि उन्होंने आरोप लगाया था कि दो अज्ञात लोग हैं जो इनके पास आकर धोखाधड़ी कर इनसे करीब 11,30,000 रुपये जो है वो इनसे ले लिया है। ये कहते हुए कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के माध्यम से इनको 50,00,000 के आसपास लोन की राशि दिलवाएंगे और जो इनको राशि का जो बंडल दिया गया था, पैसे का बंडल दिया गया था, वो जब इन्होंने खोला इन दो अपराधकर्मी के जाने के बाद तो पाया कि वो कागज़ के कोरे नोट हैं। इसके बाद इनको लगा कि इनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। इसकी शिकायत इन्होंने गढ़वा थाने में दर्ज किया था। केस चूंकि काफ़ी ब्लाइंड था और साथ ही में काफ़ी सीरियस मैटर था, 11,00,000 के आसपास की राशि एक व्यक्ति के साथ ठगी की गई थी, इसलिए हम लोग के द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम के द्वारा लगातार सभी संदिग्ध जगहों पर जाकर छापेमारी की जा रही थी, जिस दौरान ऐसा पता चला कि दो संदिग्ध व्यक्ति समय समय पर आकर गढ़वा के एक होटल में रुके हुए थे और उन लोगों ने वहाँ पर रुकने के दौरान जो यूज़ किया था, आधार कार्ड का यूज़ किया था, वो फॉर्ज्ड आधार कार्ड था, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला। आगे चीज़ों को ट्रेस किया गया, ट्रेस करने के बाद हम लोग को पता चला कि दो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक कैमूर के रहने वाले हैं, दूसरे रोहतास के रहने वाले हैं, जो इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद टीम को वहाँ भेजा गया, रेड इन लोग के द्वारा किया गया, दो व्यक्ति हम लोग गिरफ्तार किए जिन्होंने की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। इन लोग के पास से वो आधार कार्ड ही बरामद हो गया जिसका यूज़ करके इन लोग यहाँ पर आकर रुका करते थे। साथ में वो बैंक अकाउंट से का डिटेल भी हम लोग को मिला, जिसमें कि जो ठगी की राशि डिपॉजिट की गई थी बैंक में, जो पैसा था उसको हम लोगों ने बैंक से बात करके होल्ड भी करवा दिया, मोबाइल भी बरामद किया गया है और बाकी भी आगे हम लोग अलग अलग बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे बताए, बिल्कुल ये ब्लाइंड केस था, क्योंकि जो वादी थे उन्होंने केवल एक मोबाइल नंबर हम लोग को बताया था, जो मोबाइल नंबर भी घटना के बाद से लगातार बंद आ रहा था और बाद में ये भी पता चला कि फॉर्ज्ड आईडी के आधार पर वो इशू कराया गया है, इसलिए ब्लाइंड केस था। लेकिन बहुत सारे लीड थे, अब इन्वेस्टिगेशन का पूरा डिटेल तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी कुछ बिंदुओं पर काम किया गया, जो यहाँ पे संदिग्ध लोग थे उनके बारे में जानकारी ली गई और इस तरीके से हम लोग फाइनली इन तक पहुँच पाए और जो एविडेंसेस भी काफ़ी हम लोग के पास आए हैं, जो कि क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि इन लोग की संलिप्तता ही इस कांड में थी। दिल्ली में भी ये कुछ कर चुका है। हाँ, ये व्यक्ति जो है इन्होंने अपने बारे में बताया कि पूर्व में ये दिल्ली में रह के अपना ऑटो चलाया करते थे और उसी दौरान किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आए जो इस प्रकार के फ्रॉड के गतिविधि के काम में संलिप्त थे।
और उन्हीं के द्वारा ये एमओ को सीखकर इन्होंने दिल्ली में भी कुछ लोगों के साथ ठगी की गई और यहाँ इन्होंने बताया कि पहली। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन लाइन न्यूज। रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर टंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व एसी क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क करें।